दादी प्रकाशमणि जी मम्मा के बारे में कहते हैं, मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और लॉजिकल होती थी। मम्मा को वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर से सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़े। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट निकला था, मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि यह नाबालिग थे। वारंट उनके निकले थे जो 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज किसी न किसी का वारंट आता था, इसीलिए रोज सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा कोई है ही नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा। बात हंसी की थी, वह पूरी हो गई। हम बैठी थी, ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया राधे पोकर दास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ के साइन भी थे। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, यह झूठी साइन है, मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसे साइन कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ही ये साइन किए हैं। इसके अलावा मेरे जन्म तारीख यह है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसीलिए यह वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि यह नाबालिग है? बुलाओ मेरी माँ को, वह कहे कि यह साइन उसी ने की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि यह तारीख महीना और साल मेरी जन्म तिथि है, मेरी माँ के सिग्नेचर यह नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए यह वारंट भिजवाई है, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उसकी माँ से पूछा गया, वह बोली, मुझे पता नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने साइन नहीं किए। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलवाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी, तब मम्मा से बोली, मम्मा हमने तो आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसे कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा सच में मैंने बाबा को जीत लिया। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो, लेकिन ऐसे थोड़ो ही कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीत लिया है, तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसीलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। मम्मा के साथ रहकर हमने उनसे शिष्टाचार सीखा है। इस तरह ओम राधे हमारी
माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मीठी मम्मा के जितने ही गुण गाए उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा थी, इतनी ही शिव शक्ति माँ थी। मम्मा त्याग की भी और सर्व गुणों की भी मूर्त थी। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, वो एक सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा, ओ राधे तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो। जबकि मम्मा सामने ही आई थी और बाबा ने कहा, ओ राधे तुम ओम राधे हो, हे ओम राधे तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्मपत्री ऐसे सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसी निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणा वादनी माँ सरस्वती ज्ञान की वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली राज भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई जो बाबा कहता था, विजय माला का मेरुदाना। आने से ही लगा मम्मा सर्व गुणों की खान है। दादी प्रकाशमणि जी बताते हैं, हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रही हूँ, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठकर योग करती थी। यह मम्मा की नियमित दिनचर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मना सेवा साथ में बिठाकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करें और कैसे सब्जी काटे वो भी सिखाती थी। निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय मैं दिल्ली में थी। बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नहीं, मम्मा के साथ अनेक कई अनेक टूर हुए। बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं कि गुणों की माला में 36 गुणों की माला होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखे तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थी, परंतु उन सबके साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे, सबको 2-2 दाना अंगूर खिलाया था मम्मा ने। यह अंगूर यादगार है मम्मा का।